हरियाणा कांग्रेस उम्मीदवारों से जुड़ी ये बड़ी अपडेट सामने आई है और खबर है कि आज देर रात को जारी हो सकती है पहली लिस्ट। दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम 4 बजे मीटिंग होगी। हरियाणा ने अपने स्तर पर कार्य पूरा कर लिया है और अब बॉल फेंक दी गई है केंद्रीय चुनाव समिति के पाले में, यानी हरियाणा प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से 9 की 9 सीटों पर पैनल तैयार करके आगे बढ़ा दिया गया है केंद्रीय नेतृत्व की ओर। अब केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होगी और माना जा रहा है कि उम्मीदवारों की किस तरह से सूची सामने आएगी, जो संभावना है उसको लेकर आज शाम को तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। शाम 4 बजे होगी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। हरियाणा में 9 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी अलायंस के तहत उम्मीदवारी उसकी है और ऐसे में 9 सीटों पर कौन उम्मीदवार होंगे इसको लेकर आज शाम को तस्वीर साफ हो जाएगी। माना जा रहा है कि अधिकांश सीटों पर एक एक उम्मीदवार ही तय किया गया है पैनल में, लेकिन 1 से 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर ज्यादा उम्मीदवारी दिखाई पड़ रही है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या पहली लिस्ट में 9 के 9 नाम साफ कर दिए जाएंगे या फिर टुकड़ों में भी चीजें साफ हो सकती हैं। लेकिन आपको बता दें कि 9 की 9 सीटों पर जो हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी है वो अपना मंथन कर चुकी है, पैनल तैयार करके भेज दिया है। आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों की सूची भी अब लगभग सामने आ चुकी है और ऐसे में खबर है कि सिरसा से कुमारी सैलजा संभावित उम्मीदवार हैं। कुमारी सैलजा को लेकर माना जा रहा था कि वो अंबाला से भी लड़ सकती हैं, लेकिन अब साफ है कि सिरसा से लड़ सकती हैं। हिसार से वर्तमान सांसद ब्रजेंद्र सिंह मैदान में है, भिवानी से श्रुति चौधरी लड़ सकती हैं चुनाव, जो पहले भी यहां से सांसद रही हैं। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा लड़ सकते हैं लोकसभा का चुनाव। कांग्रेस उम्मीदवारों का ऐलान आज संभवतः हो जाएगा और संभावित उम्मीदवार 9 की 9 सीटों को लेकर जनता टीवी सबसे पहले अपने दर्शकों को बता रहा है और लगातार हम इन नामों को लेकर आपको जानकारी देते रहे हैं। अंदर खाने किस तरह मंथन किया जा रहा है, विजय प्रताप फरीदाबाद से संभावित उम्मीदवार हैं, चाणक्य शर्मा जो पूर्व स्पीकर के बेटे हैं, इसी तरह देखिए वरुण मुलाना जो विधायक हैं उनको अंबाला से उतारा जा सकता है, सतपाल ब्रह्मचारी जो सोनीपत से उतर सकते हैं मैदान में, सुरेंद्र दहिया को लेकर बातचीत सोनीपत से भी हो रही है और गुरुग्राम से राज बब्बर का नाम भी आ रहा है सामने। दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा जुड़ गए हैं लाइव हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के लिए। स्पर्श देखिए लगातार हम इस पूरी खबर को लेकर अपने दर्शकों को बताते रहे हैं, आप खुद बताते रहे हैं कि किस तरह से संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं और लगभग वही नाम सामने आ रहे हैं 9 की 9 सीटों को लेकर। देखिए बिल्कुल, हमने तमाम दर्शकों को बताया था किस तरीके से पैनल बनता हुआ नजर आया और उसके बाद जो अंतिम मोहर है वो आज केंद्रीय चुनाव समिति में लगती हुई नजर आएगी। 4 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, लेकिन सभी नाम जो है तय हो गए कि किस तरीके से जो है अलग अलग सीट पर उम्मीदवार जो है देखने को मिलते हुए जो है नजर आएंगे। एक बार फिर हम तमाम दर्शकों को बता दें, अंबाला से वरुण मुलाना का नाम जो है सबसे प्रबल दावेदारों के तौर पर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उनपे अंतिम मोहर जो है लगती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सिरसा से, तो सिरसा से कुमारी शैलजा जो है चुनावी मैदान में देखने को मिलती हुई नजर आएगी। कुमारी शैलजा को अंबाला सिरसा दोनों जगह से जो है कहा गया था कि आप कहां से लड़ना चाहती है, ऐसे में जो फाइनलाइज हुआ है वो सिरसा जो है कुमारी शैलजा का देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। दिलचस्प मुकाबला होगा सिरसा में, पूर्व में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे अशोक तंवर जो कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में, और इस वक्त कुमारी शैलजा जो है उनके सामने देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी। इसके अलावा हिसार से हम बात करते हैं, सीट बाय सीट बात करते हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि सिरसा से कुमारी शैलजा संभावित उम्मीदवार हैं, सिरसा से अशोक तंवर मैदान में भारतीय जनता पार्टी के सामने, यानी अगर कुमारी शैलजा आती हैं तो 2 कांग्रेसियों का एक तरह से कहा जाए कि मुकाबला यहां देखने के लिए मिलेगा जो पूर्व में कांग्रेसी था बीजेपी में है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर हम सिरसा की बात करें तो कांग्रेस जो है पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं अशोक तंवर, वो जो है मैदान में बीजेपी की तरफ से हैं, हालांकि वो बीच में आम आदमी पार्टी में भी गए थे, यानी हरियाणा की ज्यादातर पार्टियों में वो जो है जाकर आए हैं और उनका मुकाबला सीधे जो है कुमारी शैलजा से जो है देखने को मिलता जो है नजर आएगा, यानी जो है एक जो हॉट सीट है वो भी सिरसा कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो एक दूसरी हॉट सीट देखने को मिलती हुई नजर आ रही है वो हिसार हॉट
सीट जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, जहां पर जो है बीजेपी की तरफ से जो है जो जो सरकार में मंत्री थे उनको जो है मैदान में उतारा गया, रणजीत चौटाला। उनके सामने जो चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं बृजेंद्र सिंह, जो कि मौजूदा सांसद थे बीजेपी के, उन्होंने हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में वो शामिल हुए और उनका जो है नाम लगभग जो है फाइनल जो है वो माना जा रहा है। हिसार की हम बात करते हैं तो वहां पर जो है दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलता नजर आएगा। रोहतक से सिंगल नाम जो है हम देख रहे हैं कि जो केंद्रीय चुनाव समिति है वहां पर भेजा जाएगा, यानी दीपेंद्र हुड्डा का जो नाम है वो जो है रोहतक में देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। रोहतक में हमने देखा था कि पिछली बार किस तरीके से एक बड़ा उलटफेर देखने को मिलता हुआ नजर आया था, और वही जो चीजें हैं इस बार रोहतक में देखने को मिलती हुई नजर आएंगी। बीजेपी की तरफ से हम जानते हैं अरविंद शर्मा मैदान में है, कांग्रेस की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा सबसे प्रबल दावेदार है। हालांकि अंतिम मोहर जो है आज शाम को होने वाली सीईसी में इस नाम को लेकर जो है लगती हुई नजर आएगी। इसी तरीके से फरीदाबाद की हम बात करते हैं तो विजय प्रताप का जो नाम है रितेश, वो सबसे जो है प्रबल दावेदार, यानी जो है सबसे ऊपर माना जा रहा है, और वो आज जो है कहीं ना कहीं सीसी में उनके नाम पर जो है मोहर लगती हुई जो है नजर आएगी। सूत्र जानकारी दे रहे हैं उनका मुकाबला केंद्रीय मंत्री जो है कृष्ण पाल गुर्जर से फरीदाबाद में देखने को मिलता हुआ जो है नजर आएगा, ये पुख्ता सूत्रों के हवाले से जानकारी मिलती हुई नजर आ रही है। भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करते हैं, तमाम नाम जो है चलते हुए नजर आ रहे थे पैनल में, हमने बताया था कि राव दान सिंह का नाम है, श्रुति चौधरी का नाम है, लेकिन श्रुति चौधरी का नाम जो है कहीं ना कहीं ऊपर देखने को जो है मिलता नजर आ रहा है, यानी श्रुति चौधरी के नाम पर जो है मोहर लगती हुई नजर आ सकती है आज सीईसी की बैठक में, ये जानकारी जो है फिलहाल सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। तो भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करें तो 2019 का जैसा ही मुकाबला होगा, यानी जो चौधरी धर्मवीर सिंह है उनके मुकाबले में श्रुति चौधरी कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी, ये जानकारी जो है फिलहाल सूत्रों के हवाले से मिल रही है। इसके अलावा जो गुड़गांव सीट है, गुड़गांव सीट में हम बात करें तो दिलचस्प नाम जो है निकलकर सामने आ रहे हैं। गुड़गांव सीट पर पैनल जो है कांग्रेस का तैयार है, वो दो से तीन नाम जो है वो कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति के सामने जाएंगे। राज बब्बर की बात करें उनका नाम देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, कैप्टन अजय यादव का नाम गुड़गांव से देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, जितेंद्र भारद्वाज का नाम जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। यानी गुड़गांव सीट पर अभी भी कांग्रेस में कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति देखने को मिलती हुई नजर आ रही है कि तमाम जो जातिगत कॉम्बिनेशन होते हैं, क्षेत्रीय कॉम्बिनेशन होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए किस तरीके से जो है मैदान में उम्मीदवार उतारे जाए। हालांकि पिछली बार यह ध्यान रखना होगा कि जो तमाम कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में उतरते हुए नजर आए थे उसमें से सबसे ज्यादा जो वोट थे वो कैप्टन अजय यादव, जो कि पिछली बार गुड़गांव लोकसभा से लड़े थे, लगभग 4.5 लाख के आसपास वोट जो है वो उन्हें जो है पड़ते हुए जो है नजर आए थे। हालांकि हार उनकी जो है देखने को मिलती हुई नजर आई थी। इसी तरीके से हम बात करते हैं तो जो एक दिलचस्प मुकाबला है या फिर कहें कि दिलचस्प जो रणनीति है वो सोनीपत की सीट पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। सोनीपत की सीट पर दो प्रमुख नाम जो है रितेश देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। सतपाल ब्रह्मचारी का बात करें उनका नाम जो है सोनीपत की सीट पर है, और सुरेंद्र धैया इनका नाम सोनीपत की सीट पर जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। जनता टीवी तमाम दर्शकों को पहले ही ये तमाम जानकारी जो है देता हुआ नजर आ रहा है। तो इनमें से किस नाम पर अंतिम मोहर लगेगी ये आज शाम को होने वाली जो सीसी की बैठक है उस पर जो है कहीं ना कहीं डिसाइड होता हुआ जो है नजर आएगा। करनाल की बात करते हैं, पंडित चाणक्य शर्मा का नाम जो है उसमें जो है सबसे प्रबल दावेदारों के नाम में जो है देखने को मिलता नजर आ रहा है। वीरेंद्र राठौर का नाम भी हालांकि उस सीट पर पैनल में देखने को मिलता नजर आता है, लेकिन कुलदीप शर्मा के परिवार को टिकट मिलेगी ये जो है सूत्र जानकारी देते हुए नजर आ रहे। तो ये जो है करनाल सीट का जो है मुकाबला देखने को मिलता नजर आ रहा है, जहां से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल मैदान में देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। तो हमने बताया कि किस तरीके से तमाम सीटों पर जो पैनल बनाए गए थे, लेकिन जिस तरीके से पिछली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी और उसमें कहा गया कि आप जो है सिंगल नाम लेकर आइए, उदयपुर जो रेजोल्यूशन है उसके मुताबिक नाम लेकर आइए, या फिर एक से दो नाम लेकर आइए, तो फिलहाल तमाम नाम तय कर लिए गए हैं। अंतिम मोहर केंद्रीय चुनाव समिति आज शाम को 4 बजे होने वाली बैठक में लगाती हुई नजर आएगी। स्पष्ट संभावित उम्मीदवारों की सूची पर अगर नजर डालें, चूंकि अधिकांश सीटों पर सिंगल नाम ही सामने आया है, कुछ सीटों को लेकर माना जा रहा है कुछ पिंच अभी भी फंसा हुआ है, गुड़गांव उसमें शामिल है, उसमें फरीदाबाद भी शामिल है, इन संभावित उम्मीदवारों को देखें तो लगता है कि मजबूत एक तरह से उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी हरियाणा में उतारने जा रही है। जिस तरह 2019 में भी मजबूत उम्मीदवार उतारे थे लेकिन नतीजे पक्ष में नहीं आए, लेकिन 2024 में भी लग रहा है कि मजबूत उम्मीदवार कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए उतारने की कोशिश कांग्रेस द्वारा है।
देखिए बिल्कुल मजबूत उम्मीदवार उतारने की कोशिश है और उसके साथ में जिस तरीके का प्रदेश में हाल फिलहाल में माहौल देखने को मिलता हुआ नजर आया, हमने देखा कि किसान आंदोलन एक बड़ा जो अहम रोल है वो निभाता हुआ नजर आएगा। हालांकि उसमें बीजेपी ये कहती है कि हर संभव जो है कोशिश की गई कि किस तरीके से किसानों की जो आय में वृद्धि हो वो देखने को मिलती हुई नजर आई, लेकिन कांग्रेस के लगातार आरोप है कि किसानों की अनदेखी देखने को मिलती हुई नजर आई। इसके अलावा रोजगार की जो व्यवस्था थी उस तरीके से जो है नहीं हुई जिस तरीके से वादे केंद्र सरकार जो है करती हुई नजर आई थी, और ये तमाम ऐसे जो है वादे हैं जो है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी जो है करती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी सीट जो है चौंकाने वाले नाम जो है कई जो है बीजेपी लेकर आई, कई ऐसे नाम बीजेपी के सामने आए जो कि पहले कांग्रेस में हुआ करते थे और फिर वो जो है वो जो है बीजेपी में शामिल हुए तो उनको टिकट दे दिया गया, यानी 6 के आसपास ऐसे नाम थे जो कि बीजेपी ने कांग्रेस के आए हुए जो है सदस्यों को जो है दिए हैं। लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस की ये लिस्ट देखने को मिलती हुई नजर आ रही है जिसमें कांग्रेस जो पिछली बार चुने हुए जो प्रत्याशी हैं या फिर कह के पिछली बार जो चुनाव लड़े थे उनको उनके ऊपर भी भरोसा जताती हुई नजर आ रही है, कुछ नए नाम भी कांग्रेस जो है लेकर आती हुई नजर आ रही है ताकि एक जो एंटी इनकम्बेंसी होती है जो उम्मीदवार के प्रति वो कहीं ना कहीं जो है काट होती हुई उसकी नजर आए, और उसके साथ साथ अपने जो सीनियर नेता है उन पर भी कांग्रेस जो है भरोसा जताती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से हमने नाम देखा था कि कुमारी शैलजा का नाम वहां पर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, दीपेंद्र हुड्डा, विजय प्रताप, तो ये तमाम ऐसे नाम है जो कि एक बता रहा है कि किस तरीके से एक बैलेंस लिस्ट जो है कांग्रेस तैयार करती हुई नजर आ रही है, जिसमें हमने देखा कि महिलाओं की भागीदारी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। 2 महिला उम्मीदवार जो है हरियाणा से मैदान में देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है, कुमारी शैलजा की बात की जाए, श्रुति चौधरी की बात की जाए, तो एक बैलेंस लिस्ट उतारने की तैयारी कांग्रेस जो है फिलहाल हरियाणा में चुनावी मैदान में करती हुई जो है नजर आ रही है। स्पष्ट भिवानी महेंद्रगढ़ को लेकर कई नाम सामने आए थे पूर्व में भी, उसमें राव दान सिंह का नाम भी शामिल था, श्रुति चौधरी जो पूर्व में सांसद भी रही है इस सीट से उनका भी नाम शामिल था। एक तरह से देखा जाए तो अलग अलग गुट की लॉबी भी यहां पर नजर आ रही है। श्रुति चौधरी किस तरह आगे निकली इस सूची में, खास तौर पर भिवानी महेंद्रगढ़ को लेकर यह भी जरा बताएं पीछे क्या कुछ हुआ इस पूरे गुणा भाग को लेकर। देखिए बिल्कुल हम बात बताएं कि भिवानी महेंद्रगढ़ सीट की बात करें तो उसमें 2 गुट जो है कहीं ना कहीं आमने सामने देखने को मिलते हुए नजर आ रहे थे, जिसमें हमने देखा कि राव दान सिंह जो कि भूपेंद्र हुड्डा के करीबी कहे जाते हैं उनका जो है नाम चलता हुआ नजर आ रहा था। हालांकि उनका नाम 2 सीट से जो है पैनल में दिया गया था, जिसमें जो है अगर हम बात करें तो भिवानी महेंद्रगढ़ और गुड़गांव, लेकिन भिवानी महेंद्रगढ़ में प्रबल दावेदारों में वो माने जा रहे थे, और उसके साथ साथ किरण चौधरी का जो बेटी है श्रुति चौधरी उनका नाम जो है चलता हुआ नजर आ रहा था। जिस तरीके से पिछला चुनाव उन्होंने लड़ा था उसको लेकर हम बात करें तो जो है उनका नाम आगे कहीं ना कहीं देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा था कि एक वर्चस्व जो है उनके परिवार का जो है देखने को जो है उस क्षेत्र में जो है मिलता हुआ जो है नजर आता है। उनके जो है जो उनके जो पूर्वज है उनका जो एक जो जो वर्चस्व वो देखने को मिलता हुआ नजर आता है, जिस तरीके से रोहतक के लिए कहा जाता है कि हुड्डा परिवार का एक गढ़ देखने को मिलता हुआ नजर आता है, लेकिन उसी तरीके से उस क्षेत्र की बात करते हैं तो श्रुति चौधरी का नाम जो है वहां से प्रबल दावेदार में देखने को मिलता नजर आ रहा था। तो ऐसे में तमाम समीकरणों को साधा गया, तमाम नेताओं की नाराजगी जो है नहीं देखने को मिलती हुई नजर आए, इसको भी ध्यान में कहीं ना कहीं रखा गया, जिसमें हमने देखा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कुछ करीबियों को टिकट जो है मिलती हुई जो है नजर आएगी, जिसमें हम फरीदाबाद की बात करें, रोहतक की बात करें, सोनीपत की बात करें, ऐसे क्षेत्र जहां पर जो भूपेंद्र हुड्डा है उनके करीबियों को जो है टिकट मिलती हुई नजर आ सकती है। इसी तरीके से अंबाला सिरसा की बात करें तो कुमारी शैलजा का प्रभाव वहां पर देखने को जो है मिलता नजर आ रहा है, और किरण चौधरी भी नाराज ना हो उसको लेकर हमने देखा कि ऐसा माना जा रहा है कि जो श्रुति चौधरी है उनका नाम जो है कहीं ना कहीं ऊपर देखने को जो है मिलता नजर आ रहा है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जिसमें ना केवल क्षेत्रीय समीकरण साधे गए बल्कि नेताओं की नाराजगी भी जो है लोकसभा चुनाव में ना देखने को मिलती हुई नजर आए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ऐसा माना जा रहा है कांग्रेस का इंटरनल सर्वे या फिर कहें कि कांग्रेस ऐसा मान रही है कि जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी जो है नेताओं या जो उम्मीदवार है बीजेपी की उनके प्रति देखने को मिलती हुई नजर आ रही है उसका फायदा और जो चुनावी मसले हैं उसका फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो ऐसे में एकजुट होकर जो है तमाम कांग्रेसी जो है लड़ते हुए नजर आए, इसलिए जो है इस तरीके से जो लिस्ट है वो कॉम्बिनेशन के साथ जो है तैयार की गई है। यानी स्पर्श आप ये कह रहे हैं कि 2024 में लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने हरियाणा में उन उम्मीदवारों को मौका देने का प्रयास कहीं ना कहीं हुआ है या हो रहा है जो जिताऊ भी हैं, जो एक तरह से कहा जाए कि गुटबाजी को भी थाम सकें। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी बहुत ज्यादा हावी रहती है और साथ ही साथ जातीय और क्षेत्रीय
समीकरण भी एक तरह से साधने का प्रयास कहीं ना कहीं किया जा रहा है, लेकिन स्पष्ट ऐसा देखा गया है कि जब जब हरियाणा में कोई फैसला हुआ है कांग्रेस पार्टी में, उसके बाद बगावत एक तरह से नजर आई है, नाराजगी एक तरह से नजर आई है, चाहे उम्मीदवारों के आवेदन मांगने को लेकर कैप्टन अजय यादव की तीखी प्रतिक्रिया हो, इसको कैसे साधेगी कांग्रेस, ये एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं अभी बना हुआ है क्योंकि सूची का इंतजार है। देखिए बिल्कुल, और ऐसा न केवल कांग्रेस बल्कि बीजेपी में भी जो है देखने को मिलता हुआ नजर आया कि जिस तरीके से ऐन मौके पर कुछ टिकट बदले गए तो वहां भी नाराजगी जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आई थी। लेकिन अब हम कांग्रेस की झांसा संदर्भ में बात करते हैं तो कांग्रेस में जिस तरीके से हम नाम दे रहे हैं, नाम बता रहे हैं तमाम जनता को, अगर वो आज जो है लिस्ट पर मोहर लगती हुई नजर आएगी तो एक तमाम जो सदा हुआ जो पैनल है या फिर कहें कि सदैव उम्मीदवार जो है वो कांग्रेस की तरफ से मैदान में देखने को जो है मिलते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर कुछ जगहों पर नाम बदले गए या फिर टिकट जो है कटती हुई नजर आई तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की जो अंदरखाने गुटबाजी है वो एक बार फिर से जो है सामने आती हुई नजर आएगी। हमने देखा था कि शुरुआत में आज जो पिछले लंबे समय से कैप्टन अजय यादव कह रहे थे कि लोकसभा का चुनाव जो है वो लड़ना चाहते हैं, विधानसभा चुनाव उनकी प्रेफरेंस नहीं है, तो ऐसे में वो तैयारी भी जो है करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जिस तरीके से आवेदन मांगे गए पार्टी की तरफ से उससे उनकी नाराजगी जो है देखने को मिलती हुई नजर आई। हालांकि एंड मोमेंट पे उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर पार्टी चुनाव लड़ाना चाहती है तो चुनाव जो है जरूर लड़ते हुए नजर आएंगे। इसी तरीके से भिवानी महेंद्रगढ़ का एक एग्जाम्पल है जिसमें राव दानसिंह वर्सेस श्रुति चौधरी है, अगर श्रुति चौधरी की टिकट वहां से कटती हुई नजर आती है तो आप जानते हैं किस तरीके से जो है खुलकर गुटबाजी जो है सामने आती हुई नजर आएगी। किरण चौधरी की बात और इस गुटबाजी को कांग्रेस पार्टी साधेगी कैसे और सूची के जरिए क्या प्रयास होगा कांग्रेस का देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया विस्तार से पूरी जानकारी साझा करने के लिए।